अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के सम्राट नगर में हुए हादसे को लेकर मुमरा पुलिस ने FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि कल रात 8 बजे के आसपास में मुमरा बाईपास से गांव देवी के रास्ते एक सीमेंट मिक्सर की गाड़ी नीचे उतरते वक्त प्रथमेश सोसाइटी की दीवार को तोड़ते हुए हादसे का शिकार हो गई थी। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस हादसे में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक 14 साल का लड़का नासिर शेख, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मुमरा पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रसाद प्रताप चौहान ने बताया है कि हादसे के संबंध में ड्राइवर रियाज मोहम्मद अनीस खान और एक अन्य भीम राव ज्ञानदेव पाटिल के खिलाफ 304A, 279, 337, 329, 427, 134A, 134B, 184 के तहत FIR दर्ज की गई है। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे इस पूरे मामले को लेकर और भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। जय हिंद, मेरा नाम PSI प्रसाद चौहान, मैं मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत हूँ। दिनांक 15/6/2024 को रात को 8 बजे के आसपास मुमरा बाईपास से अशोक लेलैंड कंपनी का ट्रक आ रहा था। वो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर का गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल गया, इसी वजह से जो प्रथमेश बिल्डिंग नंबर 3 का जो बाउंड्री कंपाउंड था उसको वो गाड़ी लगी और वो गाड़ी पलटी हो गई। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हुए थे, उसमें से एक को मेजर इंजरी आई है और उसके वजह से वो उसको शिवाजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। ट्रीटमेंट के दरमियान उसका इंतकाल हुआ है। जिसका इंतकाल हुआ है उसका नाम है नासिर सादिर अली शेख, उम्र 14 साल, वो भी सम्राट नगर का रहने वाला था। सर, इस मामले को लेकर कुछ FIR वगैरह दर्ज हुई है, किसके ऊपर हुआ है? इस मामले में रेकेट मुमरा पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर नंबर 1483/2024 के तहत गुना दाखिल हुआ है। जो ड्राइवर था और उसके खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। गाड़ी कहाँ जा रही थी, गाड़ी का ओनर कौन है, उसके रिलेटेड तहकीकात शुरू है। ओनर का भी नाम पता चला है, उसको भी कॉन्टेक्ट किया है, आगे की कार्रवाई शुरू है। सर, ड्राइवर का नाम क्या है? क्या इसमें अभी तो हमें जो पता चला है उसका ड्राइवर का नाम है रियाज मोहम्मद अनीस खान। सर, और भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? नहीं, और भी जो विटनेस है उनकी ट्रायल, मतलब उनकी इंक्वायरी करके जो स्टेटमेंट है वो दर्ज करने की कोशिश शुरू है। यानी सिर्फ ड्राइवर पर ही FIR की गई? नहीं, स्टार्टिंग में जो ड्राइवर है, जो मतलब कंप्लेनेंट है, उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ जो बताया है वो हिसाब से ड्राइवर और जो गाड़ी का ओनर है उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है। तहकीकात में जो आगे जैसे आएगा, जो डिटेल मिलेगी वो हिसाब से कार्रवाई करने की मतलब तजवीज़ रखी है।